यह आर्ट पार्क, ये पड़ता है यही नॉर्थ गोवा में ही। बहुत बढ़िया ग्राउंड भाई। तो भाई आज है अपना लास्ट दिन गोवा में और हम लोग आज कुछ अलग जगह जा रहे हैं, कुछ अलग देखना चाहते हैं। तो एक आर्ट पार्क है, सुने हैं काफी अलग है, तो वहाँ चलते हैं, दिखाते हैं ये कुछ अपना गेटअप। चलो फोन कर दियो क्या। हेलो गाइस, तो भाई स्वागत करते हैं आपका एक और ब्लॉग वीडियो में। तो इस समय हम लोग जा रहे हैं आर्ट पार्क। यार बीच घूम घूम के बोर हो गए थे, तो आप सोचिए कुछ आज कुछ अलग और डिफरेंट करते हैं। तो जा रहे हैं आर्ट पार्क और डायरेक्ट वहां पे पहुंच के दिखाते हैं, तब तक सीन एंजॉय करिए। भाई आ गए हैं हम लोग आर्ट पार्क, और ऐसे बाहर से तो कुछ खास नहीं लग रहा है, लेकिन कुछ हल्का सा यूनिक है, छोटा सा है लेकिन बढ़िया है। चेक करो गाइस, चेक करो, बढ़िया बढ़िया। ये आर्ट पार्क, ये पड़ता है यही नॉर्थ गोवा में ही। और आइए अंदर चलते हैं, आ चलो। बढ़िया, ना बढ़िया है। आओ तो पास से दिखाते हुए चलते हैं। ये भाई पता नहीं क्या है, ये जैसे कोई फेस्टिवल का है, कोई सिग्मो फेस्टिवल का है। ये पता नहीं अशर का कुछ 3D लुक है, कुछ अलग है। बीच देख के बहुत ज़्यादा बोर हो गए थे, सोचे कुछ नया ट्राई करते हैं। ये देखो, ये पूरा 3D, क्या बात है। ये गुस्से में क्यों भाई? ओह, ये वाला ये सीधा लग रहा है, ये सीधा है और ये टेढ़ा है। नहीं ये भी ठीक है, मूड में आ रहा है अभी। अरे नाक में घुस जाओगे क्या अंकल? बढ़िया। और ये यहाँ भी बढ़िया है, हाथी वगैरह है। ये पेड़ देखो, हाँ छोटी जगह है पर थोड़ी यूनिक सी है। और भैया मुंह क्यों सड़ा है? एक ऐसे मैंने शॉर्ट देखा है YouTube में, ऐसे नाक छूते थे तो ऐसे ही लगता था वो है। अच्छा देखो, छू के देखो। अरे बाप रे, देखो इससे कुछ होगा नहीं। देखा नीचे पानी है, ये पत्थर का है, ऐसे कुछ नहीं हो रहा है। तो ऐसा लग रहा है ना कि लकड़ी का, लेकिन पत्थर का ही है। लकड़ी हाँ, लकड़ी है, पेड़ में ही है। ना 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 ना, लकड़ी नहीं है ये। हेलो हेलो, पकलो 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 पकलो। हेलो, क्या नाम है आपका? हाँ इसी की फोटो देखा था मैं। अरे चाचा जान चलिए उत्तर प्रदेश। अरे बाप रे बाप, इनको इनके लिए रुको स्टिक निकालना। ये पता नहीं किस चीज का पेड़ है, इतने दूर से यार स्मेल आ रही है इसमें अजीब सी, ना पता नहीं क्या है। ये
भाई इसको देखो। और अंकल क्या बजा रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं आप? अच्छा नहीं कहना चाहते, ठीक है मत बोलिए, नाराज मत। आप क्या बजा रहे हैं? अच्छा ठीक है आप बजाइए बजाइए। नमस्ते आंटी जी, क्या क्या चाहिए आपको? नहीं नहीं ठीक है कंटिन्यू करिए। यो बॉय यो मैन हाउ आर यू? फाइन ठीक है। और भैया तबला वादक, यार बाल तुम्हारे घुंघराले होने चाहिए थे। गलत क्यों गलत? क्या बोलते हो भाई, कह रही हैं चुपचाप रहने का। ठीक है भाई चुप हो गए। यहाँ आप ही देखते हैं क्या अलग लग रहा है? पार नॉर्मल पार की तरह नहीं है, थोड़ा अलग है। अच्छा जैसे कि ये सब बना हुआ है, बस ऐसे ही बना हुआ है कुछ किसी चीज़ को दिखाता है? जैसे यहाँ गोवा में बहुत फेस्टिवल वगैरह होते हैं, जैसे कि आज ही वो सिग्मो फेस्टिवल था। जैसे इधर प्रोग्राम होता है तो मतलब स्क्रीन लगा हुआ है यहाँ पे, जैसे कि भीड़ होता है किसी सीजन में या कभी भी, या कब शाम में भीड़ होता है रात में होता है? यहाँ जब प्रोग्राम होता है तो भीड़ होता है। अच्छा प्रोग्राम होता है तब भीड़ होती है। प्रोग्राम में क्या होता है? अच्छा अच्छा आगे डांस वगैरह वगैरह यहाँ पे सब कुछ कर सकते हैं। अच्छा अच्छा तो स्क्रीन लगा हुआ है ऊपर दिखाया जा सकता है उसमें। अच्छा अच्छा मतलब यहाँ अंदर आने का कोई चार्ज वगैरह कुछ नहीं? कोई चार्ज नहीं। अच्छा यहाँ कोई चार्ज नहीं। ये ऊपर भी चढ़ सकते हैं हम लोग सीढ़ी से? अच्छा अभी नहीं चढ़ सकते। अच्छा भाई अब चल रहे हैं, कुछ खास ऐसे ज़्यादा था नहीं तो जितना भी था सब दिखा दिया आपको। छोटा सा है यहाँ पे, जैसे स्कूल स्कूल की कुछ पिकनिक वगैरह या कोई प्रोग्राम होता है तब यहाँ पे थोड़ी भीड़ रहती है। अभी तो एकदम खाली है, शाम में हो सकता है थोड़ी और भीड़ हो। तो मैंने ऐसे गूगल पे नेट पे या किसी रील्स में मैंने इस जगह के बारे में देखा था तो मुझे थोड़ा सा अलग लगा। ऐसे गोवा में आके यार कहाँ कौन पार्क वार्क कौन आता है गोवा में आके? लेकिन फिर भी हम कहे नहीं, बीच बीच बहुत ज़्यादा हो गया है और बाकी इधर उधर घूम ही लिया था। अपना एक चीज़ रह गया है दूध सागर वाटरफॉल, जो कि फिर कभी गोवा अगर प्लान करेंगे तो दूध सागर जरूर जाएंगे। यहाँ से इससे 90 किलोमीटर दूर पर दूर है इसलिए वहाँ जाना कैंसिल कर दिए, क्योंकि वो एक विश लिस्ट में जगह थी अपने, जो कि वो हम वहाँ विज़िट करना बहुत अच्छा रहता। लेकिन ठीक है कुछ तो बचा रहेगा तभी तो फिर दोबारा गोवा आने का मन करेगा। ठीक है चलते हैं भाई। Been waiting, waiting for too long. Girl, I've been craving. तो भाई सीन कुछ ऐसा था, होने वाला था, मतलब हम सोचे कि सनसेट देखेंगे आज, सनसेट रिकॉर्ड करेंगे, खुद भी देखेंगे आप लोग को भी दिखाएंगे। लेकिन एकदम रूम से निकलते वहाँ पार्क से आने के बाद रूम पे गए मोबाइल एकदम डिस्चार्ज हो गया था। हम सोचते कि रिकॉर्ड वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह करना है तो चार्ज कर ले, नहीं मोबाइल ही ऑफ हो जाएगा तो फ़ायदा क्या फिर। चार्ज किए हैं भागते हुए एकदम तुरंत आए हैं, लेकिन जैसे ही यहाँ पे पहुँचे हैं देखे हैं सनसेट हो चुका था। एक दो लोग से पूछे कि सनसेट कब हुआ, ऐसे 5 मिनट हुआ है अभी सनसेट। भाई लहर देखो यार, हवा कितनी तेज़ है, बाप रे बाप लहर। आवाज़ सुनो यार, ये देखो यहाँ पे ये अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं अंकल और आंटी। पता नहीं ये फॉरेनर है, लग तो है फॉरेनर टाइप के। आवाज़ सुनो भाई। अब शाम हो गई है तो अब इधर से लोग हट के और इधर आना चालू होंगे। अलग अलग बना हुआ है, ये लोग अपने अपने रेस्टोरेंट या बार जो भी है इनके आगे अपना बढ़िया सी टेबल बिछा देते हैं, बंदे रख दिए हैं, बुलाते हैं बैठाते हैं, बैठिए अपना आराम से। बीच साइड वाली जितने भी एरिया हैं, बीच साइड वाला जितना भी एरिया है सब 10 बजे तक खुला रहता है। 10 बजे तक आप म्यूज़िक चलता रहेगा, म्यूज़िक 10 बजे बंद हो जाएगा, 10 बजे के बाद अलाउ नहीं है। पुलिस वाले आके तुरंत एकदम एक्शन लेने लगते हैं। अब
बाकी आपको बैठना है, खाना है, पीना है, तो उसके लिए आप एक दो बजे तक आराम से बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको 24/7 वाला अगर चाहिए तो 24/7 आपको फिर यहाँ से टीटोज लेन है बगल में बागा बीच के पास, आप टीटोज लेन पे जाओ और वहाँ पे फुल नाइट इंजॉय। भाई यहाँ लोगों को बस गाना चाहिए, बाकी कहीं भी डांस करना चालू कर देंगे। डांस फ्लोर उधर है, वो है डांस फ्लोर। भाई ये अपने आ गए हैं कोई बहुत ही सुंदर जगह, इसका नाम है फैट फिश। क्योंकि तो यार गोवा आए कुछ बढ़िया नॉनवेज नहीं खाए तो मज़ा नहीं है फिर, तो ये कुछ है यहाँ पे। मैंने काफ़ी लोग से पता किया, नेटवर्क भी देखा, तो ये है फैट फिश। तो भाई अपने अब जा रहे हैं अंदर, आज आखिरी दिन है तो ठीक है, कुछ बढ़िया खा पी लेते हैं। और बहुत ही डिसेंट सा, सुंदर सा लग रहा है, बहुत ही सुंदर। अब चलते हैं अंदर। ए यहाँ भी बोर्ड लगा है यार, झूठे ही मैं उधर जा रहा हूँ। ये तो ये क्या मोटी मोटी मछली देंगे क्या सर? ये भाई ये देख लो, घुसते दिख गया कुछ, तो सी फूड भी है यहाँ। ये जगह मुझे बहुत पसंद आई, बहुत एकदम डिसेंट और प्राइस भी एकदम रिजनेबल, इतना बढ़िया क्राउड, एकदम डिसेंट क्राउड। वो ये तो चिल्ला चपाटी वाला क्राउड नहीं, बहुत ही डिसेंट क्राउड है। अभी एक बार व्यू दिखाते हैं। उन्होंने ऑर्डर दे दिया है, हमने ऑर्डर दिया है किंग फिश करी। उन्होंने बोला कि उसमें कांटे कम रहते हैं, कांटा ज़्यादा नहीं खा पाता मैं। बहुत दिन बाद एक्चुअली मैं फिश खा रहा हूँ, सब मुझे लगता है कि 4-5 साल बाद मैं फिश खा रहा हूँ। मन था मुझे, इस जगह के बारे में मैंने कहीं देखा था, कई लोग से पूछा भी, कि बहुत बढ़िया है। क्राउड देखो भाई, क्राउड देखो, ये मैच फुटबॉल उधर IPL, वेरी गुड। बहुत बढ़िया क्राउड भाई, अति सुंदर। एक्सपीरियंस था, जा रहे हैं अपन, कुछ ऐसा था अपना ये फैट फिश। हाँ अभी भाई यहाँ सर सामने एक कपल थे, स्कूटी से गिरे हैं एकदम बाहर से तुरंत, बहुत तेजी से स्कूटी स्कूटी, थोड़ी भीड़ भी है, मैं दिखाता हूँ आप लोग को। हवा हवा दिखाता हूँ अपनी स्कूटी का। हाँ है, चलो ये लोग हैं, ये लेडीज बैठी हुई हैं, पूरा एकदम बहुत भयंकर यहीं पे गिरी है वो, बहुत भयंकर। ये अपनी जगह जहाँ हम लोग खाना खाए, बहुत बढ़िया। ये आ गए हैं भाई यहाँ पे, पूजा का खाना पैक करा रहे थे, शायद पैक भी हो गया है, वो आ रही है। तो अब बस यही था, चलते हैं भाई अपना गोवा में, आज लास्ट डे था तो अपना गोवा का सीन आज ख़त्म है। क्यों गोवा का अपना तो खत्म है गोवा का, है खाना वाना आपका पैक हो गया, क्योंकि आपको वो नहीं खाना था, मेरा पकड़ वाला है। तो यही था, पब्लिक को बताओ कि ठीक ठाक अपना एक्सपीरियंस था ना, हम ना मन कर रहा है आप जल्दी से अपने घर पहुंच जाए। वैसे तो अपने अभी दिल्ली एक दो दिन रुकेंगे, पर उसके बाद फिर अपने घर ही जाना है। तो भाई ऐसे ही प्यार दिखाते रहो यार, और तुम्हारा भाई बहुत मेहनत करता है, मेहनत करता हूँ ना लगता है ना। आओ चेकआउट, तो भाई हम लोग चेकआउट कर रहे हैं, बैग हो गए, हम बैग निकाल दीजिए, अंदर रखा है उन्होंने। हाँ यही बैग,
पे जाना पड़ेगा, चले जाएंगे कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भैया फिर, थैंक यू सो मच। तो भाई सही था फिर गोवा में ना, चलो जैसा भी था बढ़िया था, होटल अच्छा था, होटल से अच्छा था, स्टाफ अच्छा। घसीट लो भाई घसीट लो, उठाओ मत, घसीट लो। 30 किलो से ज्यादा नहीं लग रहा। चलिए भाई आ गए अपने एयरपोर्ट। ठीक है भैया फिर मिलते हैं। ठीक है भैया अपने यूपी के ही हैं, प्रयागराज के ही। ठीक है थैंक यू सो मच। तो भाई आ गए हैं अपने एयरपोर्ट पे, बोर्डिंग पास हाथ में है अपने, जा रहे हैं गेट एफ के लिए जहाँ पे आगे चेकिंग होगा, जैसे कि जूता उतर लग रहा है मुझे फिर से उतरवाएंगे ही। बाकी गोवा का अपना एक्सपीरियंस ठीक था, बढ़िया था, मज़ा आया, लोग सही मिले, लग था कि क्या पर लोग सही मिले। बाकी मैंने कई जगह जहाँ ट्रेवल किया है बहुत ज़्यादा टूरिस्ट को उतना रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, जो भी था बहुत बढ़िया लगा।